नारायण नारायण नारायण। हाँ भाई। अरे कौन हो तुम? हमें नहीं पहचान रहे हो क्या? हाँ तुम्हारो पहले से ही फोटो छीन के डाल रहा हूँ मैं, सब पहचान लो। देखिए हम नारद हैं और कंसराज है का यहाँ पर। पहले काम बताइए, कंसराज महाराज तो अंदर हैं। हैं? तो अपने महाराज से जाकर के कहे देव ऋषि नारद आए हैं। अच्छा आवाज जा रहे हैं, महाराज जय शंकर की जय। क्या समाचार है? कतई बेकार है महाराज। देवर जी आए द्वारे पे खड़े। क्या बात हो गई देवर जी? हाँ जी हाँ जी। दोबारा पूछ करो कौन है। उनके मुड़ पे गैस वास उधर हुआ। अबे गधे, वो देवर्षि होंगे। देवश्री उन्हें आदर के साथ दरबार में लेकर के आओ। मैं दोबारा पूछ के आऊं? बिल्कुल। अच्छा जाता भी। नारायण 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 दीवान। ओए क्या कहा कंसराज ने? कंसनी नु कहिए क्या उनको आधार कार्ड लेके आ। आधार कार्ड नहीं, कहते अपने महाराज से जाकर के देव ऋषि नारद आए हैं, शराब दे देंगे नहीं तुझे। जहीं धरे रहियो, जहीं धरे रहियो, हवा ला रहा हूं। जय शंकर की जय। क्या आज तो आनंद आ गया क्या? आधा बोतल पौआ कुछ भी ले लो। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी जा तू गिलास लेके आ, मैं शराब दूंगा। अबे कल है शराब नहीं, शराब कहा होगा। शराब तुझे कुतिया बना देंगे वो। एक काम करा महाराज, मैं कुतिया ना बन दो कुत्ता तो बन जाऊंगा। महाराज उन्हें बुला करके लाओ दरबार में महाराज के पास। वो नारद जी नाम बता रहे थे अपना। हाँ देव ऋषि नारद होंगे और उन्हें दरबार में लेकर के आओ। अभी जाता हूँ महाराज। बिल्कुल, अब के कोई शैतानी की तो समझ लेना महाराज। जानता है ना मुझे? प्रभु मो क्षमा करो, बख्स देव। चलता हूँ महाराज, जाता हूँ अपने मोटे वाले घोड़े को ले जाऊं। ये मोटा वाला घोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। चलता हूँ महाराज। बोलो दीवान। क्या बोले दीवान? हैं? चलो महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। चले दरबार को। आइए आइए। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राजन खुश रहो। कहो देव ऋषि आज कैसी कृपा करती हमारे ऊपर? भैया भ्रमण करते घूम रहे थे, मन में विचार किया मथुरा नगरी देख करके आएंगे, चलो कंस के दरबार में ही चल रहे हैं। अरे बूढ़े बाबा, पर कंसराज एक बात तो बताओ। बोलो। अपना चेहरा तो इधर करना, एक बात बताओ, जब हम पहले आते थे तुम्हारे दरबार में ये चेहरा फूल जैसा खिला हुआ दिखाई देता था, आज बात क्या है? ये चेहरा क्यों कुमला रहा है? लाल मिर्च की तरह सूख गया है। हाँ क्या हो गया रे दीवान? महाराज हाँ, अब नारद जी मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या हमारे महाराज की जो बहन थी देवकी, हमारे महाराज की बहन देवकी थी। आहा थी। मैं कह रहा हूँ ना थी। हाँ वो बहन देवकी थी। ए, आगे कुछ बोलेगा या नहीं? आहा हमारे महाराज की बहन थी देवकी। आहा थी। उनकी शादी वसुदेव द्वारा की गई। आहा मतलब वसुदेव जी से। आहा की गई थी। जब हमारे महाराज उनको रथ में बैठा के विदा कर रहे ना है, तो ऊपर से कौवा ने डीठ कर दई। बदतमीज महाराज, तुम जी आंखें खुल्ला मेरी तरफ मल्लिकारे करो, मेरे पेट के आजू मेरे पेट में जाते। महाराज तेरे क्या हुआ बताता हूँ। जब अपनी बहन को रथ में बिठा करके विदा कर रहे तो आकाशवाणी हुई थी कि जो इनकी बहन के गर्भ से आठवां का बालक पैदा होगा वो इनका काल होगा। तो फिर इन्होंने उन्हें जेल में डलवा दिया। फिर और फिर उन्होंने ये वादा किया वसुदेव जी ने कि जो भी देवकी के संतान होगी एक एक करके मैं आपके पास लाता रहूंगा। अच्छा और आज
बुआ जी के गर्भ से एक पहला बेटा प्राप्त हुआ। पहले फीसो आओ महाराज। और जैसे ही वो महाराज वसुदेव जी महाराज के डिंगा लेके आए, इन्होंने बैक कर दो, क्या कर दिया, वापिस भेज दो देवी। तो लगता है कंसराज तेरी मौत आ गई। दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं। बाबा जी बहुत कहा है मेरी, बहुत दिखाई नहीं देती है, कंस जब आती है तो शांति दरे देव आ रही है। देखिए देवताओं ने तुम्हें बहका दिया कि देवकी का जो आठवां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा। देवताओं की चाल की क्या पता भैया, अरे पहला भी आठवां हो जाए, आठवां पहला हो जाए, तीसरा पांचवां हो जाए, क्यों ना दीवार। सही कह रहे हैं महाराज। हाँ इसकी क्या पता, देव ऋषि क्या बात है, तुम भी मुझे भ्रम में डाल रहे हो। अरे भैया तेरी आंखें खोल रहे, कंसम भ्रम में नहीं डाल रहे हैं, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। हाँ कि महात्मा से कितनी घृणा करता हूँ। बहुत करते हो, न जाने कितने महात्मा मैंने मरवा दिए, पता ही न जाने कितनी मेरे यहाँ कैद काट रहे हैं, लेकिन हम तुमसे प्रेम क्यों करते हैं। क्यों करते हो, क्योंकि तुम मेरे हित में बात जो करते हो। अरे हम सब बहुत दिन से घूम रहे हैं तुम्हारे उद्धार के लिए। हाँ भगवान की, देव ऋषि तुम कहते हो मौत आ गई, साधुओं का प्राणदाता शत्रुओं का काल हो, क्रोध की बिजली गुस्से की धरती धर्म ही सत्ता पैर नारायण मेरे घर में, धर्म ही सत्ता पर नारायण पैर मेरे घर में, मेरे पैसे सोता है बच्ची सागर में। महाराज अरे मैं ये वीर हूँ, मैं भी वीर हूँ, रेडी से बतासे को फोड़ दू, और जिस गली में कुत्ते भौंकते उस गली का जाना छोड़। क्या नहीं दीवान, दीवान तुझको ये ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, तुझको ये ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा वचन बस वाला हूँ। मेरी त्योरी के चढ़ते ही, मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, यम कबेर परल मंडल मेरे वैसे वो करते हैं। सही बात है महाराज, मैं कहती हूँ बिल्कुल कि खून से खून टपके हर तरफ दीवार से, और मैं 40 फुलके खा जाता हूँ अरहर की दाल से। दीवान ये नहीं खाने की बात करता है, खून टपके खून भर से हर दर दीवार से, खूनों की नदी बहा तुम ना मैं तेग और तलवार से। महाराज पहले जो नारद जी कह रहे हो बात ध्यान की सुन ले, तुम्हारो काल आएगा, सुनो सुनो। देखो देवताओं की चाल की तुम्हें नहीं पता कंसराज, ऐसे करके फूल बनाओ। कैसे कैसे, देखिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसे कीजिए, गधे अपने हाथ में शस्त्र किसी और को नहीं देते हैं। मैं इधर आ दीवान, दीवान चलो समझाया राजा को अपने को, मैं तो समझा रहा हूँ। ऐसे कीजिए राजन, दीवान गिनके बता। हाँ इधर से एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, अब इधर से गिन के दिखा। हाँ एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, बताइए कंसराज कौन सा पहला है कौन सा आठ। महाराज देख लो देख लो, तो इसका मतलब पहला बच्चा भी आठवां हो सकता है, हो सकता है, दूसरा भी बिल्कुल हो सकता है, तीसरा भी क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। देव ऋषि, देव ऋषि इसका मतलब मुझे देवकी की आठ संतान मारनी होगी। भैया इस बात को हम नहीं कह रहे, वो तुम जाना। बड़ो चाल हुई नारद, अरे तुझे सुरलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है, तुझे सुरलोक कहता है कि तू लीला अवतारी है, तो मैंने भी तुझसे शत्रुता कर